अखिलेश यादव पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। 2012 से लेकर 2014 के दरमियान चले तकरीबन 4000 करोड़ के रेत घोटाले में मोदी सरकार अखिलेश को नापना चाहती है। ईडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2012 से लेकर 2014 तक यूपी में खनन विभाग भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास ही था। वैसे भी इस मामले में अब तक सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 11 लोगों पर मामला दर्ज किया है और चर्चित आईएएस अधिकारी चंद्रकला के घर तो इस मामले में छापा भी पड़ चुका है। यानी अब अगला नंबर अखिलेश का लग सकता है। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए त्रिदीप रमन की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।